नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिले के 51 केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। शुक्रवार की रात से परीक्षा केंद्रों के पास परीक्षार्थी पहुंच गए थे। शनिवार की सुबह 9 बजे के बाद परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश मिला। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ओर से यह परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को दो पाली में आयोजित हो रही है। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान परीक्षा की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अधिकारी व स्टैटिक मजिस्ट्रेट भ्रमण करते रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। नगर के जीजीएससी परीक्षा केंद्र के बाहर निकलने के परीक्षार्थी ने बताया कि पेपर काफी कठिन आया था, जिसमें प्रश्न पत्र हल करने में पसीने छूट गए। परीक्षार्थियों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था बेहतर रही। अच्छा, आज किस चीज का पेपर था? क्या क्वेश्चन लाए? इसमें सारे क्वेश्चन थे, मैथ के भी थे, इंग्लिश के भी थे, हिंदी के थे, रीजनिंग भी थे, भूगोल भी था, इतिहास भी था, और पेपर लगभग बहुत टफ ही था इस बार का। दिक्कत कोई परेशानी? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। कॉलेज की तरफ से सुविधा सारे थे, बहुत अच्छी सुविधा थी कॉलेज की तरफ से, पेपर देने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।